हेलो फ्रेंड्स, प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर दी हूँ, तो क्योंकि सुबह जो खाना बना था वो मैंने नीचे रख दिया है, तो अब इसको उठा के मैं ऊपर रख देती हूँ। ये देखिए, चटनी भी बनाई थी और ये देखिए, मैंने मूंग की दाल सुबह सुबह बनाई थी। ये आपको दिख रही कि नहीं, तो सुबह दाल बनाई थी और चावल खत्म हो गया और एक पका पका मैंगो। तो कौन कौन मैंगो खाना पसंद करता है कमेंट करके जरूर बताइए। तो किचन मैंने जब साफ किया ना फ्रेंड, तो रख दिया था नीचे। तो ये देखिए, इसमें अभी रोटी भी बची हुई है, तो इसको रख देते हैं, टिफिन टिफिन नहीं धुलेंगे और चल रहे हैं बर्तन धोने, क्योंकि बर्तन अभी बड़ा है। तो फ्रेंड, मैंने भारी भारी बर्तन पहले धो ली थी, जो कि ये रखी हूँ, अभी इनको रखना है नीचे, क्योंकि सुबह दाल बनाई थी और चावल बनाए थे, तो चावल और दाल उतना ही बनाया था कि खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी दाल बची रही। इतना भी कर लो पर बच ही जाता। किचन क्लीन किया, बर्तन क्लीन किया और बच्चे स्कूल भी चले गए हैं और अब चल रहे हैं, जिस काम पड़े हैं फटाफट निपटा लेती हूँ। तो ये चीनी है फ्रेंड, आई अभी रखा नहीं है। फाइनली फ्रेंड आ चुकी हूँ किचन में और ये देखिए, मेरा बेटा दो बुक रख के गया है, शायद ये नहीं लगेगा। तो मौसम फ्रेंड कुछ ऐसा हो गया है कि चिपचिपा सा, बारिश की वजह से चिपचिपी गर्मी पड़ रही है, क्या करें, ऐसे लगते हैं कपड़े गीले हो गए हैं। मतलब एक होता है ना कड़ाके कड़क कड़ा कपड़े, वैसे है नहीं। तो चल रहे हैं फ्रेंड, इस्ते का बेड शीट चेंज कर देती हूँ, एक हफ्ते बाद मैं इस्ते का बेड शीट चेंज कर रही हूँ। पाउच भी रख दिया है। चादर से जो है मैं साफ कर देती हूँ। तो ये वाला चादर रख रही हूँ और ये वाला चादर डालूंगी, क्योंकि बहुत ही गंदा हो गया है। वैसे तो आज थोड़ा बहुत धूप निकली है, देखते हैं आज कपड़े धोते हैं या कल धोते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कब धोएंगे।
तो फ्रेंड जगह नहीं है खाने में, बहुत बिछाने में दिक्कत होती है। मेरे कमरे में बिल्कुल जगह नहीं, तो उस तरफ से जाके मैं चादर दबा दूँ। आप हमेशा देखते होंगे कि मैं चढ़ती ही बेड शीट सही करती हूँ, क्योंकि उस तरफ जाने का जगह ही नहीं है, तो मैं जाऊँ किधर से। और जब ऐसे करने लगती हूँ तो बेड शीट जो है सब बटन हो जाती है। तो बेड शीट मैंने सही कर दिया है। मतलब बेड पर शीट जो है बहुत ज्यादा गंदी थी, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि बारिश है ना, 4-5 दिनों से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह सुबह और रात में कुछ ज़्यादा ही होती है, तो इसलिए ना बच्चे जाते हैं बाहर और पैर गीला करके आके चढ़ जाते हैं, इसके वजह से ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, क्योंकि पैर गीले जो होते हैं, गीला रहने पे हमेशा ही बेडशीट बेकार हो जाता है। कभी भी पैर गीला करके बेडशीट पे नहीं बैठना चाहिए, लेकिन क्या करूं, बच्चे हैं ना, जिसके घर में बच्चे होते हैं वो नहीं बचते। इसमें सब चेंज कर देते हैं। बेड शीट मैंने चेंज कर दिया, किचन क्लीन कर लिया और बर्तन भी साफ कर लिया और बच्चे को लंच बना के स्कूल भी भेज दिया। मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिया और अभी बज रहे हैं 8, क्योंकि 8 बजे ही मैंने सारा काम आज ख़त्म कर लिया, क्योंकि मैं आज बच्चों के रहने से ही काम शुरू कर दिया। बच्चे गए भी नहीं थे तब भी मैं बर्तन धोना शुरू कर दिया। एक बार जो भारी भारी बर्तन थे ना वो मैंने धो लिया। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग कैसा लगा है, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। बाय।